हेलो मेरे दिल्ली वाले लोगों, सिप्रा द व्लॉग में आप सभी का है स्वागत। आज हम आ चुके हैं दिल्ली के एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ आके आपको बहुत ही ज़्यादा शांति मिलने वाली है, रिचुअल्स मिलने वाला है और उसके साथ साथ मॉडर्नाइजेशन भी देखने को मिलने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि लास्ट व्लॉग में आपने गंगा आरती हमारे साथ देखी ही थी, तो आज हम आ गए हैं ऐसी लोकेशन पे जो कि है दिल्ली में और बिल्कुल गंगा आरती वाला आपको वो फील देगी। ये लोकेशन है यमुना घाट की आरती जो कि वासुदेव घाट पर होती है दिल्ली में, जो और इसके नियर बाय मेट्रो स्टेशन आपको पड़ेगा कश्मीरी गेट अगर आप मेट्रो से आते हो। तो हम लोग इस दिन आए थे जिस दिन हनुमान जयंती की, नेक्स्ट संडे। और आप याद रखें कि ये डेली नहीं होती है, ये सिर्फ इवनिंग टाइम में आरती होती है, संडे एंड ट्यूसडे वाले दिन बस। इस दिन आप आए और बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप गंगा आरती इंजॉय कर रहे हो, जैसे कि ये वाला देख रहे हो। और यहाँ पे इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा हुआ है कि अब ये छोटे छोटे कार्यक्रम भी यहाँ चालू कर चुके हैं। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है, एकदम ऐसा लगता है कि जैसे हम गंगा आरती भी इंजॉय कर रहे हैं, यमुना आरती भी अब गंगा आरती की तरह बिल्कुल बन रही है। और आपका यहाँ का एरिया आपने देख ही लिया है कि जो इन्हें आसपास बना रहे हैं बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, बिल्कुल मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको शांति मिलेगी, बहुत अच्छा फील होगा अगर आप भी रिचुअल से बहुत जुड़ना पसंद करते हैं। हमारे सनातनी धर्म का ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, इससे हमारे रिचुअलिटी में भी चार चांद लग गए हैं। तो चलो अब इन्जॉय करते हैं इस छोटे से फंक्शन को जो इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ था हनुमान जयंती। और आपको पता है इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर सुविधा भी रखी थी जिनमें इन्होंने पकौड़े बनाए थे जो हमें आरती के बाद मिलने वाले थे, तो इसलिए इससे पहले ये प्रोग्राम था उसके बाद होगी आरती। और आपको पता है हमने अपने व्लॉग में ना कंप्लीट आरती कवर की हुई है, अगर आप नहीं भी जा पा रहे हैं वहाँ पे, वासुदेव घाट पे है ये, तो आप इंजॉय कर सकते हैं इस व्लॉग में आरती, पूरी कंप्लीट आरती हमने इसमें रखी हुई है, बिल्कुल भी मतलब कटपिट नहीं है, कंप्लीट आरती है। और चलो अब कुछ देर इसको इंजॉय कर लेते हैं। और इसकी जो टाइमिंग है वो 6 से 7 बजे है, अगर आप आरती को अच्छे से इंजॉय करना चाहते हो पूरे लास्ट से शुरू से एंड तक, तो आप 6:30 से पहले यहाँ पहुँच जाना तो आपको आरती का पूरा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और काफ़ी सारे डेवलपमेंट यहाँ हो रहे हैं और ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और मतलब बहुत बहुत ही कुछ अच्छा लगेगा आपको। सिप्रा द व्लॉग की साइड से आपको दिल्ली की एक अच्छी अच्छी लोकेशन मिली ही जाती है, तो इसके बाद भी आने वाली है आपके लिए बहुत बढ़िया लोकेशन। तो पहले हम करते हैं इसको इंजॉय। अब आने वाली है आपकी आरती जो कि 10 से 15 मिनट की होती है, तो आप इस आरती को इंजॉय करो, इसको इंजॉय करो। एंड में हमें अभी प्रसाद भी मिलेगा और आरती भी हमें मिलेगी। चलो अब करते हैं इंजॉय। हनुमान जी देख रहे हो आप, मतलब इतने ऐसे रियलिस्टिक हनुमान जी इन्होंने बने हुए हैं और हनुमान जी ने तो चार चांदी लगा दिए थे यहाँ के माहौल में। जब लक्ष्मण जी मुझसे सुने तो श्री रामचंद्र जी ने सरजीव की बूटी लाने के लिए भेजा था। किसको भेजा था? बहुत बढ़िया लग रहा है यार, बहुत बढ़िया लग रहा है यार। हनुमान जी को, हनुमान जी को सरजीव की बूटी मिली नहीं, वो क्या उठा के लाए? पर्वत है साथ गा के तालियां लाके। लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, अरे पर्वत हथेली कर ले आए, पर्वत हथेली कर ले आए, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, अरे पर्वत हथेली कर ले आए, पर्वत हथेली कर ले आए। संजीवनी बूटी दी लक्ष्मण का, संजीवनी बूटी दी। अब ये फाइनली कंप्लीट हो गया था, तो अब आ जाती है बारी आरती की। अब आरती शुरू ही होने वाली है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये इन्होंने एक हवन टाइप का जो जलाते हैं आरती से पहले वो जला दिया है। अब देखो आरती शुरू हो गई, तो चलो अब करते हैं यमुना आरती को एंजॉय। अब आप पूरी आरती का यहाँ पे देख सकते हैं। नमः वेदभद्राय नेदा प्रणदात्मना विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, कालिन्दे नमः। ॐ मा इदग्गुं हवे राजानानां मे अस्तुदाहवे रग्गुं सर्वगणाग्नु दत्ताय आदमादानि प्रजाधानि बाधूदानि
नमस्ते गणपतये तमे प्रत्यक्षं दत्तमजे तमेव केवलं कर्तादि तमेव केवलं धर्तादि तमेव केवलं हर्तादि तमेव सर्वं कर्मिदं ब्रह्मादि मम साक्षात् आत्मादिमित्या ऋतं भजमि सत्यं भजमि अवत्तं माम् अवकारम् अविहोतारम् अवधातारम् अवानुधानवदिश्यम् अववत्यातात् अवभुरस्तात् अवचोर्दवातात् अवदक्षिणातात् अवाधरातात् सर्वतो माम् पाहिताय समन्तात् अम्बागमयत्तमजिनमयः जायदे सर्वं जगिदं दत्तोदिक्षदे सर्वं जगिदं कैले मेषदे सर्वं जगिदं कैवत्येति स्वं भूमिदापो नलो निलो नमः मम चतवारि वाक्पदानि मम गुणत्रयातीतः मम कालत्रयातीतः मम देहत्रयातीतः मम मूलाधारः श्रोतनित्यम् मम शक्ते त्रयात्मकः मम योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् मम ब्रह्मा मम विजणत् मम रुदरत् मम इन्दरत् मम अगणेश मम आय मम सूर्य मम निर्मात्रम् ब्रह्म भूर्भुवत्तरम् गणादि पूर्वमचार्य वर्णादि तदंतर अनुस्वार वर्तर अंधेन्द्रजित हारेण वृत्त एतत् पूर्व रूप अकार पूर्व रूप अकारो मध्यम रूप
भवानी दहितम नमामि आदरमध्येदम दुयम नामदम देवो हरि अंगलगनम मनुष्याणाम सर्वं पापं दुःखं कष्टं दबोहदे सीता लगे नीरिका कष्टमिते तरीरिका तदो मंत्रुष्पांजलि भगवती से हाथ जोड़ के नमन वंदन प्रार्थना ओम ददने रत्नमयलंत देवा तानि धर्माणि मधमान्यः सन्नः देहनाक महिमानः तदन्तरत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो नन्दि प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुवत्नै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् कालिन्द्यै च विद्महे सूर्यपुत्रै च धीमहि तन्नो यमुन प्रचोदयात् ऐगिरि नन्दिनि नन्दिदमेदिनि विश्ववितो दिनि नन्दनुखे गिरवरविन्दशिरोधिनि वक्षिणि वेष्णुर्विलासिनि वेष्णनुखे भगवति हे दिगण्डकुलं विनिभूरकुलमिनि भूतिकृते जय जय हे महिदा कुलमरदनि रम्यगवधनि हल्लदुदे ऐ जगदम्बगदम्बवन प्रियवासिनि तोगिनि हाकरथे शिखरधिलोमणि लय सिंहनिलय मद्धगते मधु मधुरे मधु कैरव गञ्जन महिलविलहाकरथे जय जय हे महिला सुरमरदनि रम्यगवधनि हैरदुदे हरि दुमनत्तु मन सुमन सुमनोरम कान्तियुगे चक्रव्रते सुनयन विप्रमर प्रमर 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 प्रमराधिव्रते जय जय हे महिला सुरमरदनि रम्यगवधनिधैरदुदे जय जय हे महिलाजुरमधनिरम्यगवधनिधैरदुदे जय जय हे महिला सुरमरदनि रम्यगवधनिधैरदुदे कुजमाञ्जलि अर्पण करो ग्रहण करो हे मात दया दृष्टि अभिराखियो शरण पड़े कीला विह तुम राखो जगदीश दोनों भुजा पसार के धरहु चरण में शीश जियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगे मैया की यमुना महारानी की हनुमान जी महाराज की वृंदावन बिहारी लाल की धर्म सम्राट स्वामी कृपात्र जी महाराज की नमः पार्वती मदे हर 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 महादेव। आरती खत्म होने के बाद यहाँ हम लगाते हैं जयकारे और जयकारे लगाने के बाद हमें यहाँ आरती मिलती है। आरती के साथ साथ आपको यहाँ पे हमेशा प्रसाद मिलता है, तो वो जब भी आप आओ प्रसाद लेना बिल्कुल मत भूलना, आरती लेना उसके बाद प्रसाद खाना और तभी यहाँ से जाना, क्योंकि हमने तो आरती भी ली और प्रसाद भी खाया। तो लाइन में थोड़ी धक्का मुक्की हो जाती है लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। अगर हमें थोड़ा प्रसाद के लिए मेहनत करनी पड़े तो कर लेना, क्योंकि हमने भी करी है। देखो तो अब हम लेते हैं, अब मेरी बारी थी प्रसाद लेने, ने तो लेके बड़ी जल्दी खा लिया, अब मेरी बारी थी। तो मैं वेट कर रही थी क्योंकि अब इतने सारे लोग आ गए थे तो एक बारी बारी करके ही लेना था, तो फाइनली मुझे मिल जाता है प्रसाद। तो चलो अब चुपके से खा के निकल लेते हैं, टाटा बाय।